ज्ञान व प्रौद्योगिकी। अप्रैल माह का जो है सेकंड वीक है, उसमें जो चर्चा में रहे हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। आज के जो टॉपिक हैं वह ऐसे हैं जो कन्वेंशनल में चर्चा में नहीं रहते हैं और जिन पर यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और यह कंटिन्यूएशन है जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में करंट में रहे हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्लासेस में किया भी होगा। तो इसी कंटिन्यूएशन सीरीज में जो है, जो हमारे टॉपिक रहेंगे इसमें, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर इसका संबंध आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, यह सब कुछ जो है हमारे टॉपिक रहेंगे। इसके बाद कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी वगैरह जो हमने कर लिया है उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे। फिर बेपी कोलंबो मिशन जो पुराना है, फिर भी वह हमें करना है क्योंकि वह चर्चा में है 2020 में। क्लियर? चलो करते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। अब ये ऐसे टॉपिक है, अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं और इसके पीछे का अगर फिजिक्स और पूरा साइंस जानेंगे तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा, बट हमें उतना ही पढ़ना है जितना यूपीएससी पूछेगा, और जो आएगा तो यस आई कैन डू। और ये ऐसे टॉपिक है कि हम उनको कर सकते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं यह है क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन है जो तुम्हें 1.5 साल जो तुम बैठ रहते हो उसको जो है तुम्हें क्लियर करवा देगा। ये एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट और हबल कांस्टेंट दोनों ही अभी चर्चा का विषय रहे थे। और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट तो जो है अक्टूबर में जब फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, बिग बैंग, कॉस्मोलॉजिकल, माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन में, तो उसमें जो है हमने पढ़ा था। फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जो भूल भी चुके हैं उनके लिए रिवीजन है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट यह आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था। आइंस्टीन की जो थ्योरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वैसे तो वह कहती है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड या तो एक्सपेंड होना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट आइंस्टीन ने पर्सनली खुद माना कि नहीं, यूनिवर्स जो है स्टैटिक है, वह न एक्सपेंड कर रहा है न कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और उसने जो अपनी थ्योरी सिद्धांत में जो इम्बैलेंस आ रहा था थ्योरी में, तो उसने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का समावेशन किया था। क्योंकि आइंस्टीन ने जब अपनी थ्योरी दी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस समय हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे कि हम जो है एक्सपेरिमेंट कर पाते, ऑब्जर्व कर पाते कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। परंतु बाद में रशियन मैथमेटिशियन, फिर बाद में हबल ने कहा कि नहीं, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तब आइंस्टीन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपना सबसे बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट ब्लंडर माना था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उसने स्वयं स्वीकार किया कि यस मेरे से गलती हुई है, परंतु जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि यूनिवर्स आइदर एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। यह थ्योरी में लाइक का इंबैलेंस था, एक पेंसिल की नोक है, इस पेंसिल की नोक पर आप कुछ रखने की कोशिश कर रहे हो, जब कुछ रखने की कोशिश कर रहे हो यह बैलेंस में नहीं होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, इंबैलेंस होगा। ऐसा ही एक कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कोर फिजिक्स नहीं बल्कि सामान्य क्वेश्चन पूछता है। तुम्हें याद रखना है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में था। आज के समय यही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है हम उसको एनर्जी डेंसिटी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और आज का जो कंसेप्ट है डार्क एनर्जी का, आज का जो कंसेप्ट है डार्क एनर्जी का, उसे जो है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का ही जो है आगे विस्तार माना जा रहा है। तुम्हें नोट डाउन करना है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में
जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने ब्रह्मांड को स्टैटिक मानते हुए उसका समावेशन किया था जहां जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्वीकार करती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है या संकुचन हो रहा है परंतु आइंस्टीन का मानना था ब्रह्मांड स्थिर। परंतु आज के समय यह स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और विस्तार ही नहीं उसमें त्वरण एक्सीलरेशन भी हो रहा है। एक्सीलरेशन मतलब अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट ये और दूसरा है गैलेक्सी तो ये दूर ही नहीं हो रहे हैं, तो दूर बढ़ने की जो गति है वह गति भी क्या हो रही है, तीव्र हो रही है जिसका वर्तमान में कारण डार्क एनर्जी के रूप में समझाया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है, अब कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट से तुम्हें फिर कंफ्यूजन पैदा करेगा हबल कॉन्स्टेंट। मैं हबल कॉन्स्टेंट पर आऊं उससे पहले यूपीएससी का यह क्वेश्चन 2018 में, यह क्वेश्चन बहुत टफ है तो लोग कहेंगे, परंतु यह 2018 में चर्चा में था और ऐसे क्वेश्चन ही तुम्हें लीड देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई करेगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। मोस्टली जिसका फिजिक्स ऑप्शनल रहा है उनको भी ये क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि यूपीएससी जनरल पूछता है। जब स्टीफन हॉकिंस की डेथ हुई थी उस समय जो है ये टॉपिक चर्चा में था 2018, तब यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों दिक्काल को विकुचित करता है, उपरोक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिता के सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का के भविष्य कथन कौन सा या कौन से है, जिसका और जिसकी और जिनकी प्राय समाचारों के माध्यम से विवेचना होती है। आंसर क्या होगा? और यही क्वेश्चन पुनः किसी भी फॉर्म में 2020 में भी पूछ सकता है क्योंकि फिजिक्स का नोबेल प्राइज चर्चा में रहा है। किसी भी फॉर्म में यह पूछ सकता है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन किन को बताता है। तो यहां जो सेकंड है ना वो लोगों ने गलत माना था, क्योंकि आइंस्टीन क्या कह रहा है, ब्रह्मांड स्टैटिक है, परंतु उसकी थ्योरी क्या कह रही है, ब्रह्मांड स्टैटिक नहीं है, या तो फैल रहा है या संकुचित हो रहा है। और उसने क्वेश्चन आइंस्टीन के बारे में नहीं, क्वेश्चन इसने सिद्धांत के बारे में पूछा था, इसलिए दूसरा सही था।
फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। इसके लिए कौन से टर्म है जिसके द्वारा तुम इसका पता लगा सकते हो? दो कंसेप्ट हैं जिसके द्वारा तुम पहले को सही मानोगे। वो दो कंसेप्ट क्या हैं? रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट सुना होगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग सुना होगा। वो पहला ही है। दो तो इसलिए सही है क्योंकि मैंने बताया है। फर्स्ट इसलिए सही है ग्रेविटेशन लेंसिंग और रेड शिफ्ट सुना होगा। और पदार्थ मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, इसलिए तुम्हें पता है तो कंसेप्ट सुना होगा वॉर्म होल का, जो पिछली साइंस एंड टेक क्लास में भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, वही कंसेप्ट यहां से है। और ये कंसेप्ट जो है ऐसा भी आता है कि 2 साल पहले मैंने पढ़ाया भी था और कई बार 2019 वालों क्लास वालों को भी पढ़ाया है कि अगर क्लॉक है, एक क्लॉक जमीन के अंदर है और एक क्लॉक जो है टावर के ऊपर, ये टावर है, तो कौन सी जो है तेज गति से या स्लो गति से जो है टाइम बताएगी, उसी कंसेप्ट को समझाते हुए ये कंसेप्ट आया है। ये तीनों जो है आइंस्टीन के सिद्धांत में लिखे हुए हैं। अब ये 2020 में जो दे रहे हैं और जिनका 3 या 4 अटेम्प्ट हो चुका है फिर भी उनको नहीं मालूम है, तो उन्हें अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है, प्रश्न करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे तो हम स्टेग्नेंट ग्रोथ में हैं, और वह स्टेग्नेंट ग्रोथ क्या है? वह स्टेग्नेंट ग्रोथ है 40 क्वेश्चन की 45 क्वेश्चन की, और उस 40-45 क्वेश्चन की बाउंड्री को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, वही आपकी स्थिरता की ग्रोथ है पीटी में। क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे मैटर को, हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे अपनी स्ट्रेटजी को, हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं अपनी सोच को। कर क्या रहे हैं? जब नहीं होता है तो रूम में बंद करके एक बुक की जगह एक ही टॉपिक के लिए 50 बुक पढ़ने लगते हैं। पढ़ना तुम्हें एक ही बुक है, बट तुम्हें अपने आप को क्वेश्चन करना है कि वेयर माई स्ट्रेटजी रॉन्ग, क्या मैं पढ़ रहा हूं यूपीएससी के लिए? यह बार बार तुम्हें क्वेश्चन होगा अभी, क्योंकि अगर आज या कल में यूपीएससी अनाउंस करता है कि डेट्स चेंज होने वाली है, डेट्स चेंज नहीं भी होती है, तुम्हें अपने लिए स्ट्रेटजी को उसी अनुसार चेंज करना होगा। मैं लाइव सेशन या वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा स्ट्रेटजी अगर एक बार यूपीएससी ऑफिशियल अनाउंस कर दे कि 31 को एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली तो पोस्टपोन होना चाहिए, बट फिर भी एक बार हम ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं, ठीक है? यस, लीगो से भी तुम कर सकते हो। नेक्स्ट है हबल कांस्टेंट। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यूनिवर्स आइंस्टीन ने तो माना एक्सपेंड नहीं हो रहा है, स्टैटिक है, परंतु जनरल थ्योरी रिलेटिविटी कहती है कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। फिर रशियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में माना कि आइंस्टीन ने जो कांस्टेंट दिया हुआ है अनस्टेबल फिक्स है, वो वैसे ही है अगर आप पेंसिल के नोक पर कुछ चीज को जो स्टेबल रखने की कोशिश करो। फिर इसी का थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन जो है हबल ने किया था और कहा, देखा कि यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज दूर है वह हमसे दूर जाती जा रही है, और जो जितनी दूर है वो हमें उससे उतनी ही ज्यादा दूर जा रही है। और यह कॉन्स्टेंट उन्होंने एक फिजिक्स में 11th या 12th में पढ़ा होगा, डॉपलर इफेक्ट, जो रिलेटिव स्पीड है उसके अनुसार आपकी जो है गति, साउंड की गति या उसको प्रदर्शित करता है। उसके द्वारा उसने कहा कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है, परंतु यहां जो कॉन्स्टेंट है ना ये मिसनोमर है, यह कॉन्स्टेंट नहीं है, यह एक पैरामीटर है आज की डेट में। तो उन्होंने कहा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, और परंतु अब हम ये मान रहे हैं यूनिवर्स एक्सपेंड ही नहीं, उसका एक्सपेंशन त्वरित भी हो रहा है, एक्सेलरेशन भी हो रहा है। हबल कॉन्स्टेंट कहता है कि अगर गैलेक्सीज जो है प्रसारित हो रही है तो किसी भी पोजिशन में तुम चल जाओ, उनका जो डिस्टेंस की जो गति है ना वो सब जगह समान है, और इसके लिए अलग अलग कॉन्स्टेंट, पहले इसको कॉन्स्टेंट दिया गया था 520 किलोमीटर पर सेकेंड, इस तरह का कॉन्स्टेंट दिया गया था, परंतु आज के हम डेट में मानते हैं कि कॉन्स्टेंट नहीं है। जैसे अगर बचपन में 7th या 8th क्लास में ग्राफ पढ़ा होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, त्वरण 0 है, तो ग्राफ यह होता है, परंतु अगर त्वरण हो रहा है तो ग्राफ यह होता है।
तो कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट बता रहा है कि यूनिवर्स का एक्सलरेशन हो रहा है, और उसका एक्सलरेशन का अंडरलाइन जो फैक्टर है आज के डेट में हम मान रहे हैं किसको, डार्क एनर्जी को। और हबल कॉन्स्टेंट कहता है कि यूनिवर्स जो है उसका विस्तार हो रहा है, वो विस्तार क्या है, यूनिफॉर्म है, समान है। और गैलेक्सी जो हमसे जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही ज्यादा तेज गति से जा रही है, परंतु सब अगर हम गैलेक्सी सब आकाशगंगाओं को देखें तो उनका विस्तार, उनके दूरी की जो गति है वो क्या है, समान है, वह है हबल कॉन्स्टेंट। और उन्हीं हबल के नाम पर हमारा हबल टेलीस्कोप है। तो हबल कॉन्स्टेंट मेजर करता, लिख लो, यह ब्रह्मांड के विस्तार की गति का माप करता है। बस एक लाइन याद रखना, हबल कॉन्स्टेंट ब्रह्मांड की गति, ब्रह्मांड के विस्तार की गति का मापन करता है। बस इतना याद रखना, ब्रह्मांड के विस्तार की गति का मापन करता है। क्लियर? नेक्स्ट, बेबी कोलंबो। बेबी कोलंबो ये चर्चा में रहा है। वैसे तो इस मिशन को आपने 2018 में छोड़ा था। ये मिशन है जापानीज स्पेस एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं जाक्सा, प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है मरकरी के लिए, बुध ग्रह के लिए, जो बुध ग्रह पर 2025 में जो है पहुंचेगा। अभी यह पृथ्वी की कक्षा से जो है इसको ट्रेजेक्टरी में बिठाया गया है, अर्थ से फ्लाई बाय मीन्स पास से गुजरते हुए आप उसको एक ट्रेजेक्टरी में जो है बिठाते हो, जिससे आप उसको सही डायरेक्शन प्रदान कर सको। इस कारण चर्चा में था। तुम्हें बस याद रखना, एग्जाम के लिए बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट बुध ग्रह के लिए, मरकरी के लिए, जाक्सा जापान प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त कार्यक्रम 2018 में छोड़ा गया है, 2018 में छोड़ा गया है, 2025 तक बुध ग्रह पर या मरकरी पर पहुंचेगा। इसका मिशन है बुध के आंतरिक भाग का अध्ययन, और उसके चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोस्फेयर, का अध्ययन। अब ये यहां डायग्राम में तो पूरी टाइमलाइन दे रखी है, ये पूरी टाइमलाइन याद नहीं रखनी। अब फिर तुम्हें याद रखना है मरकरी पर और कौन कौन से गए हैं। मरकरी पर और देखें तो 2004 में मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट गया था, और उससे पहले मरियनर MARIENER मरियन स्पेसक्राफ्ट भी जो है छोड़ा गया था। ये दोनों ही थे नासा के द्वारा, और यूपीएससी जो है इनमें कैसे क्वेश्चन पूछता है इसका भी हम देख लेते हैं, क्योंकि मैसेंजर पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन 2014 क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्पेसक्राफ्ट का नाम पर्पज, कसिनी फ्यूजन, विनस के लिए, मैसेंजर, मरकरी के लिए, वॉयेजर 1 और 2 एक्सप्लोरिंग आउटर सोलर सिस्टम। इसका आंसर क्या है? वॉयेजर 1 और 2 तो अभी भी चर्चा में है। जब हमने ओल्ट क्लाउड पढ़ा था
जब तुम लोगों ने इंटरस्टेलर जो है स्पेस पढ़ा होगा, तब भी हमने पढ़ा था वॉयेजर 1 एंड 2। यह जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा तो ऐसा नहीं था कि तुम्हें 2004 का करंट जानना था। कसिनी उस समय चर्चा में था। अगर कसिनी तुम्हें पता होता तो आंसर ऑटोमेटिक जो है हो जाता, और इसका आंसर है बी, क्योंकि यह किसके लिए, शनि सैटर्न। कई लोग जो है इन जब साइंस एंड टेक एनवायरमेंट इनके टॉपिक को देख रहे हैं कि सर बहुत टफ लग रहा है, जो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, हमने 4 साल हो गए पढ़े हुए फिर भी हमने नहीं पढ़ा है। तो मैं अभी जो स्टैग्नेंट ग्रोथ की जब बात कर रहा था ना, वो स्टैग्नेंट ग्रोथ ही है, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी के पेपर्स देखे ही नहीं है। यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछता है, एकदम डिटेल में नहीं जाना है कि कसिनी के बारे में पूरा पता कर लिया कि कसिनी क्या है, उसमें उपकरण क्या है। जहां यूपीएससी पूछ रहा है वहां पर तुम्हें रहना है, तुम्हें डीप रिसर्च नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट, आगे थोड़े वन लाइनर है। वर्मीबैट, वर्मीबैट जो है एक हर्बल मेडिसिन है जिसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जिसको हमने नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं में पढ़ा था, उसके द्वारा यह बनाई गई है, जो एंडोपैरासाइट है, जो जानवरों के अंदर रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वॉर्म्स जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके लिए अल्टरनेटिव जो है मेडिसिन है। फिर इसमें तुम्हें याद रखना है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने जब इसको बनाया वर्मीबैट को, तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का मिशन क्या है, ग्रास रूट इनोवेशन उसको बढ़ावा देना। तो इसने इस वर्मीबैट के लिए एप्लीकेशन भी किया, किसके लिए, आईपीआर के लिए। तो यहां से तुम्हें एक और सीख लेनी है कि भारत के आईपीआर लॉज में हम ग्रास रूट इनोवेशन जो होता है उसको आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मान्यता देते हैं। यह लाइन तुम याद रखना। वर्मीबैट तो वन लाइनर है, बट तुम्हें याद रखना है कि हम इंडिया के आईपीआर लॉज में ग्रासरूट इनोवेशन, जो जमीन पर हो रहे नवाचार हैं, उनको भी आईपीआर में मान्यता देते हैं। मींस जो जुगाड़ हो रहा है और जो जुगाड़ इनोवेशन है, तो हम उसको आईपीआर के तहत मान्यता देते हैं। यह है याद रखना। वर्मीबैट तो मे भी पूछेगा या नहीं पूछेगा, यूपीपीसीएस जरूर पूछ सकता है, यूपीएससी जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, अगेन टफ फील्ड की तरफ, ब्लैक होल के बारे में कुछ कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। ब्लैक होल जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसका मास क्या है, इनफाइनाइट या फाइनाइट, जिसका वॉल्यूम क्या है, जीरो या इनफाइनाइट, यह है तुम्हें आंसर करना है। डेंसिटी, इनफाइनाइट, वॉल्यूम क्या है, मास क्या है। जो हमने ब्लैक होल पढ़े थे, हमने कहा था कि ब्लैक होल, इंटरस्टेलर ब्लैक होल्स, फिर टाइनी ब्लैक होल्स, और जो है इंटरमीडिएट ब्लैक होल की भी पुष्टि हुई। जो ब्लैक होल का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट या सन अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाए, मतलब मैटर अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाए, तब ब्लैक होल बनता है, तो वो मैटर से बनने वाले। परंतु प्रीमोडियल ब्लैक होल्स क्या है, ये एक अलग से कैटेगरी है ब्लैक होल्स की। जो अभी अप्रैल में ब्लैक होल चर्चा में रहे, तो प्रीमोडियल ब्लैक होल पर एक नया जो है प्रकाश डाला गया है रिसर्च पेपर्स में, नेचर जो रिसर्च पब्लिश करती है उसमें जो है यह चर्चा में। प्रीमोडियल ब्लैक होल्स वो हैं जो हमारे बिग बैंग, जब हमारा ब्रह्मांड बना था एक पॉइंट से, उसके जस्ट फ्यू सेकंड बाद जो है बने थे, वो है प्रीमोडियल ब्लैक होल। सो प्रीमोडियल ब्लैक होल, जब हमारा बिग बैंग हुआ था उसके चंद सेकंड बाद बने थे।
यह प्रीमोडियल ब्लैक होल मैटर से नहीं बना है, मैटर के कोलैप्स से नहीं बना है। ऐसा नहीं कि मैटर पदार्थ जो है कोलैप्स हो गया अपने अंदर ही और उससे बना है। यह प्रीमोडियल ब्लैक होल रेडिएशन विकिरणों के कोलैप्स से बने हैं। तो याद रखना है, प्रीमोडियल ब्लैक होल जो है बना है कब? बिग बैंग के कुछ ही समय बाद। आई थिंक बिग बैंग का कंसेप्ट क्लियर होगा, बिग बैंग के कुछ या चंद सेकंड बाद। किससे बने हैं? यह बने हैं रेडिएशन या विकिरण उनके कोलैप्स के द्वारा। कैसा अध्ययन करते हो? तो हमने या तुम लोगों ने अक्टूबर में पढ़ा होगा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, उनके अध्ययन के द्वारा हम इनका पता लगा रहे हैं। ठीक है, यह प्रिमोडियल ब्लैक होल जो है इनका मास 10^-28 भी हो सकता है, बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि ब्लैक होल्स का मास नगण्य के बराबर भी हो सकता है, यस हो सकता है, ऐसा एग्जांपल है कौन से? प्रीमोडियल ब्लैक होल जो रेडिएशन के कोलैप्स से बना है। अब आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि यह प्रीमोडियल ब्लैक होल जो है, जो बने थे, वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होंगे, कि इनफ कूलिंग के कारण वह वाइप आउट हो चुके होंगे। तो आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि यस प्रीमोडियल ब्लैक होल्स हुए हैं, बट वर्तमान में उनका अस्तित्व नहीं होगा। याद रखना बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। परंतु फिर एक और थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। उस थ्योरी का नाम क्या है जिसको यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, जिस पर मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं? व्हाट इज द नेम ऑफ थ्योरी विच इज नाउन एज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग? जहां सब थ्योरी फेल हो जाती है, वह थ्योरी जो है क्वांटम लेवल पर काम करने लगती है और तुम्हारा आंसर प्रदान करती है। और उस पर यूपीएससी ने जो है 2011 से 2019 के पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछा है। उस थ्योरी का नाम क्या है? अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो पता होगा। वह है स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, मैं वापस समझा देता हूं इसका कंसेप्चुअल, तुम्हें बैकिंग भी समझा देता हूं थोड़ा बहुत, बस जितना यूपीएससी पूछेगा उतना ही हमें जानना है, फिर स्ट्रिंग थ्योरी पर आता हूं। प्रिमोडियल ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड बिग बैंग के जस्ट बाद, इन चंद सेकंड बाद इनकी उत्पत्ति हुई थी। इनका निर्माण रेडिएशन के कोलैप्स से हुआ है। रेडिएशन का क्या हुआ है? कोलैप्स हुआ है, उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। आइंस्टीन की थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अब तक ये इवेपोरेट हो चुके होंगे, इनका वाष्पीकरण हो चुका होगा और वर्तमान में इनका अस्तित्व मिलना मुश्किल है। परंतु स्ट्रिंग थ्योरी कहती है यस ये मिलते हैं। थ्योरेटिकली जो है स्टीफन हॉकिंस ने 1971 में इनको बताया था, परंतु स्टीफन हॉकिंस से पहले भी 1960s में भी रशियन मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने भी प्रीमोडियल ब्लैक होल्स का अस्तित्व बता दिया था। और स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको हम जो है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, जो कॉस्मोलॉजिकल स्टडी में काम आती है, उसके अनुसार जो है ये प्रीमोडियल ब्लैक होल वर्तमान में अस्तित्व में है। अब यहां यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो सिंपल इतना क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी,
स्ट्रिंग थ्योरी चर्चा में थी किस संदर्भ में है? यह यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2019 में। यह कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट, पिलर ऑफ क्रिएशन, सिंपल जो है वन लाइनर, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिक्चर देखने में बहुत खूबसूरत लग रही होगी, ये पिक्चर बहुत खूबसूरत लग रही होगी। पिलर ऑफ क्रिएशन, यह एक नेबुला है, नेबुलर हाइपोथेसिस मींस जो डस्ट और गैसीय पार्टिकल्स बने हैं। यह नेबुला जो है स्टेलेगमाइट, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट पड़े होंगे क्रास टोपोग्राफी में, स्टेलेगमाइट की तरह एक पूरे टावर की तरह है, जिसका अभी हबल ने पिक्चर्स खींची है। हबल ने इसकी पिक्चर्स पहली बार नहीं खींची, 1995 में भी इसकी पिक्चर्स खींची थी, पर अभी बहुत ज्यादा क्लियर आई है। यह नेबुला से बना है जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम इत्यादि गैसें हैं। नेबुला क्या है? नेबुला स्टार से बनने से पहले की स्थिति है। यही गैसीय पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं? आपका स्टार बनाते हैं। इसकी पिक्चर हमने ली है। यह नेबुला जो है, जिसका नाम दिया गया पिलर ऑफ क्रिएशन, यह जो है जिसको ईगल नेबुला और M16 के नाम से भी जो है जाना जाता है, जिसकी हाल ही में हबल टेलीस्कोप ने जो है पिक्चर्स ली है। हबल टेलीस्कोप ने पिक्चर्स ली है, पिलर ऑफ क्रिएशन लिख लो। यह ईगल नेबुला है, ईगल नेबुला है जो जो सरपेंस कॉन्स्टलेशन नक्षत्र, सरपेंस कॉन्स्टलेशन में स्थित है, सरपेंस कॉन्स्टलेशन में स्थित है, नक्षत्र में स्थित है, जो एक टावर की तरह है, जो एक टावर की तरह है। अब नेबुला आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कांकिन हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, ये सब थ्योरी जो है ज्योग्राफी में है। ऑल्दो हमें पढ़ना नहीं है, पर बेसिक हमें जो है जो एनसीईआरटी पढ़ते समय तुमने पढ़ा होगा, तो वही ये नेबुला जिसकी पिक्चर ली गई। यह फाइव जो है, फाइव से सिक्स लाइट ईयर्स दूर स्थित है, हमसे फाइव टू सिक्स लाइट ईयर्स दूर स्थित है। बस तुम्हें याद रखना, पिलर ऑफ क्रिएशन जो हाल ही में चर्चा में था, क्या ये एक नेबुला है जिसकी पिक्चर हबल ने ली। अब हबल ने ली है तो हमने जो है, तुम लोगों ने हबल टेलीस्कोप पढ़ा होगा, क्लियर? उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा। नेक्स्ट, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा था, इवेंट होराइजन सिंगुलरिटी स्ट्रिंग थ्योरी स्टैंडर्ड मॉडल, यह यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जब यह क्वेश्चन पूछा है तो मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखो, पैटर्न को पहचानो। इवेंट होराइजन सिंगुलरिटी, क्या यह क्वेश्चन 2019 में नहीं था? 2019 में नहीं था, 2019 में था, परंतु यह क्वेश्चन जो है 2017 का क्वेश्चन है। अगर 2017 के क्वेश्चन को तुम ढंग से कर लेते, या तुम्हें जिसके मेंटरशिप में हो वो करवा देता, तो क्या क्वेश्चन नहीं होता? क्योंकि यह है, तो हमने तो द कोर एस के नोट्स में करवाया था। अब यूपीएससी का यहां एक और चीज है, इन ऑप्शन का भी साइकोलॉजी है, ऑप्शन के साइकोलॉजी तुम्हें गलती करवाता है, उस ऑप्शन की साइकोलॉजी को भी तुम्हें कैच करना है। इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, ये जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट, अपोलो मिशन चर्चा में था तो इस पर यह क्वेश्चन है, उसके बाद मैं जो है एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इस तरह की साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन ही तुम्हें करने हैं, जहां नहीं आते हुए भी तुम्हें
जो है आंसर आना चाहिए। तुम्हें स्टैग्नेंट ग्रोथ से ज्योमेट्रिक ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, और वो तभी हो सकता है जब तुम अपने आप से क्वेश्चन करोगे, यूपीएससी के पैटर्न को पहचानोगे और पहचानोगे तुम उस डायरेक्शन में हो कि नहीं। क्वेश्चन है, अपोलो 13 क्रूड मिशन टू द मून नाउन एज ए सक्सेसफुल फेलियर एज इट्स क्रू वर एबल टू पुल ऑफ अ सेफ रिटर्न डिस्पाइट द स्पेसक्राफ्ट एंड्यूरिंग एन एक्सप्लोजन। इट वॉज द 7th क्रूड मिशन इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम एंड द 3rd मैन टू लैंड ऑन द मून। मुझे पहला और दूसरा कुछ नहीं पता है। थर्ड है, रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द अपोलो 13 क्रूड मिशन टू द मून। मुझे पहला और दूसरा नहीं पता है, पर कॉमन सेंस में इस क्वेश्चन को कर दूंगा, इसका आंसर क्या होगा। ढंग से पढ़ो तीसरा स्टेटमेंट। अपोलो मिशन नासा का था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का? और सेकंड, जिसने सही किया है उसने मिंट नहीं पढ़ा है, मिंट टू बी लैंड, लैंड नहीं किया, मिंट टू बी लैंड, मिंट टू बी लैंड, यह यूपीएससी की साइकोलॉजी है, जिसको जो है रीइंफोर्स करना पड़ता है, वो एक या दो क्लासेस में नहीं आता, उसको लगातार जो है करने से ही यह बनता है। और कई लोगों की इंक्वायरी जा रही है 2021 के लिए हिंदू क्लास और आंसर राइटिंग और फाउंडेशन की, तो उसका जो अनाउंसमेंट जो है ऑलरेडी किया जा चुका है, जून और जुलाई से वो चालू हो जाएगा जब एक बार लॉकडाउन नॉर्मल होगा। जब नासा का है तो ये इसे हटाओ 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 हटाओ, आंसर भी कुछ पढ़ने की जरूरत थी नहीं थी। अपोलो पता है नासा का है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्यों करेगी? फेल तुम हो रहे हो, गलती तुम्हारी है, दोष किसी और को दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसे इस कॉमन सेंस से तुम्हें सोचना है। अपोलो जो है मिशन, अपोलो 1 और 2, उसके बाद अपोलो 13 छोड़ा गया था परंतु फेल हुआ, उसके बाद अपोलो 14 जो है छोड़ा गया था, और अपोलो 14 को जो है लैंड होना था वो चंद्रमा पर फ्रो मोरो फॉर्मेशन पर लैंड होना था। तो यूपीएससी तुम्हें क्वेश्चन फिर पूछ सकता है प्रा मोरो फॉर्मेशन जो है, ये तुम्हें एक हाईलैंड दिख रहा होगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नजदीक वाला वो चंद्रमा का पार्ट है। यहां पर ये जो हाईलैंड है जो फ्रा मोरो क्रेटर के पास स्थित है, वहां पर जो है अपोलो 14 को भेजा गया था। जो अपोलो 13 न्यूज में था उसकी 50th एनिवर्सरी न्यूज में थी, तो यह वर्ड भी चर्चा में था। फ्राम मोरो फॉर्मेशन एक हाईलैंड जो है, जो फ्राम मोरो क्रेटर के पास स्थित है, जब चंद्रमा पर किसी का इंपैक्ट हुआ उसकी वजह से जो क्रेटर बना था, वहां पर जो है अपोलो 14 मिशन को भेजा गया था। और यह पार्ट जो है पृथ्वी के सामने ही जो है दिख रहा है, परंतु वर्तमान के तुम मिशन देखो जो भी भेज रहे हैं वो वहां नहीं, साउथ में भेजे जा रहे हैं, जो पृथ्वी के पास स्थित नहीं है। परंतु ये प्रोम और मिशन जो है वह चंद्रमा के उस भाग में भेजा गया जो पृथ्वी के पास स्थित है और पृथ्वी की ही डायरेक्शन में स्थित है। तुम्हें याद रखना है प्रोम और फॉर्मेशन चंद्रमा पर, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। 2010 के एनडीए में सीधा उसने चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम पूछ लिया था, क्योंकि वो 2010 में चर्चा में था। तुम्हें याद रखना है प्रोमोरो हाईलैंड और प्रोमोरो क्रेटर। प्रोमोरो क्रेटर क्रेटर है, गर्त है, जब इससे टकराया जिस जो बाहरी बॉडी उसकी वजह से जो मेटेरियल पदार्थ निकला उसकी वजह से जो हाईलैंड बना वो है प्रोमोरो फॉर्मेशन, प्रोमोरो हाईलैंड। यहीं पर जो है आपका अपोलो 14 गया था, परंतु अपोलो 13 क्या हुआ है, असफल हुआ है। यह वन लाइनर याद रखना। सिली मिस्टेक्स को ही तो दूर करना है, यही तो यूपीएससी है, और वो सिली मिस्टेक ही हम नहीं ध्यान देते, उसी को मैं बोलता हूं स्टेग्नेंट ग्रोथ। और जो जिनका 5, 6, 7 अटेम्प्ट में भी पीटी नहीं निकल रहा है वह इसी सिली मिस्टेक का शिकार है, क्योंकि वो अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। दे आर नीदर क्वेश्चनिंग
टीचर्स दे आर नीदर क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स एंड दे नीदर क्वेश्चनिंग देयर प्रोसेस. और जब तक वो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनका सिलेक्शन के चांसेस और कम होते जाएंगे. तुम्हें क्वेश्चन करने की क्षमता को विकसित करना है. क्लियर? फ्रेम और फॉर्मेशन याद रखना है. नेक्स्ट, सिपोनोफोर अपोलोमिया. अब तुम ये सोच रहे हो कि सर ये चीजें लाख आंसर है, ये कुछ नहीं ला रहा हूं. जो नेचर ये जो बड़े बड़े रिसर्च पेपर हैं जो चर्चा में रहते हैं, जो हिंदू में भी आता है और एक्सप्रेस और दिवायर इनमें जो खबर में रहती है उन्हीं का जो है वन लाइनर जो हमारे लिए काम कर सकते हैं उनको हम देख रहे हैं. यह भी वन लाइनर है. सिपोनोफोर अपोलोमिया ये एक जायंट सी क्रिएचर है जो हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो डिस्कवर किया गया और विश्व का सबसे लंबा जो है जानवर हो सकता है. तो तुम्हें याद रखना है सिपोनोफोर अपोलोमिया संभवतः है विश्व का सबसे लंबा जानवर. जैसे यूपीएससी ने डेंसोविन पूछा था यह पूछ सकता है, या यूपीएससी कुछ करंट का और पूछे, कुछ करंट का टॉपिक और पूछे जो सिपोनोफोर अपोलोमिया नहीं होगा उसके एक ऑप्शन में तुम्हें दे देगा कि विश्व का सबसे लंबा जो है एनिमल है, तब तुम्हें यह ऑप्शन एलिमिनेट करने में काम आएगा. ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है. तो सिपोनोफोर अपोलोमिया विश्व का सबसे लंबा जानवर. तो एक ऐसे ही हमने पढ़ा था फिश, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि मानव के हाथ की उत्पत्ति कैसे हुई है. तो वह फिश कहां मिली है उसका तुम्हें आंसर देना है. वह फिश कहां मिली उसके बाद में उसका आंसर करता हूं. नेक्स्ट, ऑसरिस आरएक्स. अभी तक जवाब नहीं आया है. जवाब क्या है इसलिए तुम्हें कम पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूं, ऑथेंटिक सोर्स को पढ़ना है, उसको 50 बार रिवीजन करना है. जो चीज तुम्हें याद रह ही नहीं सकती उसके पीछे जा क्यों रहे हो, वो अभी भी नहीं हो रही है तो एग्जाम में कौन सी हो जाएगी. एक चीज को बार बार पढ़ो. याद आ रहा होगा कनाडा, कनाडा में उसके अवशेष मिले थे जो ट्रांजिशनल फिश है, जिससे जो क्लास में करवाया गया है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मानव के हाथ की उत्पत्ति कैसे हुई है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. यस, कनाडा. नेक्स्ट, ऑसरिस आरएक्स. बस एक या दो व्यक्ति ही जवाब दे रहे हैं. ऑसरिस आरएक्स अभी चर्चा में था. वैसे तो यह मिशन पुराना है, परंतु फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि अभी चर्चा में रहा. ऑसरिस आरएक्स का फुल फॉर्म है ऑरिजन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर. इसको लिख लो बट नाम याद नहीं रखना है. नाम याद नहीं रखना है इसका फुल फॉर्म. बट फिर भी अगर यूपीएससी ऑसरिस आरएक्स नहीं दे, ऑसरिस आरएक्स का फुल फॉर्म दे दे, तुम्हें पता होना चाहिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है. ऑसरिस आरएक्स जो है यह नासा का मिशन है जिसके तहत एक क्षुद्र ग्रह है बेणु. वहां पर जो है ऑसरिस आरएक्स को भेजा गया है जो मिशन 2016 में लॉन्च हुआ. यह मिशन 2018 में एक क्षुद्र ग्रह पर पहुंचेगा जिस क्षुद्र ग्रह का नाम है बेणु. वहां पर यह सैंपल लेगा और सैंपल लेकर पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा 2023 में. ईयर याद नहीं रखना है तुम्हें. याद रखना है ऑसिरिस आरएक्स नासा का
वेणु शुद्र ग्रह के लिए, वेणु शुद्र ग्रह के लिए। फिर मेरा क्वेश्चन होगा, यूपीएससी का मेंस का भी क्वेश्चन हो सकता है, पीटी का भी क्वेश्चन हो सकता है, पीटी का भी क्वेश्चन हो सकता है कि वेणु पर क्यों। मैंने बोला मैं पुराना है, बट पुराना ही जो है होगा अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये करंट में रहा है। तो यहां जब द कोर में क्लासेस जो चल रही है, कोर रिलेटेड करंट है। हम कभी ये नहीं बोलते हैं पांच साल का करंट है, ये एक साल में छोटी छोटी खबर जो एडिटोरियल में भी आ रही है वहां का जो है करंट है। तो इस तरह ये करंट जो है चार या पांच साल को अपने अंदर समाहित रहता है, फिर भी अपने आप को छोटा भी रखता है। इसीलिए तो जो पिछले साल भी है 20 से 30 क्वेश्चन आए हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। बट फिर मुझे पता लगा कि कंटेंट नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि लोगों की थिंकिंग ही नहीं है क्वेश्चन करने की, सामने क्वेश्चन का आंसर होते हुए भी नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को उस थॉट प्रोसेस पर जोर दे रहा हूं, और उस थॉट प्रोसेस में टाइम लगता है। तो कई लोग अभी जवाब दे रहे हैं, कई लोग दो तीन स्टूडेंट का कॉल भी आया कि सर हम जब ग्रुप बनाकर वो डिस्कशन भी करते हैं तो हम ये एक या दो लोग जवाब देते हैं, बाकी का नहीं आता है। वो ने समझ लिया है बट फिर भी आंसर नहीं कर पा रहे क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं इस क्वेश्चन को यहां दे रहा हूं, इसका मेन मकसद है कि तुम्हें उस थॉट प्रोसेस को रीइंफोर्स करना है। ऑल्दो मैं मानता हूं कि टाइम कम है, बट फिर भी तुम्हें रीइंफोर्स करना है। फिर मेरा क्वेश्चन है वेणु पर ही क्यों भेजा गया, उसके फैक्ट लिख लेना, मेंस के लिए भी काम आएगा, पीटी में पूछ सकता है। ऑसिरिस आरियक्स, वैसे शुक्र ग्रह जो है उनका डायमीटर्स कम होता है, जब डायमीटर्स कम होता है तो उनका घूर्णन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, परंतु ऑसिरिस आरियक्स जो है उसका डायमीटर ज्यादा है। जब डायमीटर ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम है, जब वेलोसिटी कम है तो आप सेफली यहां पर स्पेस जो उपकरण है उसको भेज सकते। तो पहला कारण है ऑसिरिस आरियक्स का साइज बड़ा होना। दूसरा, ऑसिरिस आरियक्स जो है कार्बन रिच है, कार्बन रिच है, तो इस कार्बन रिच से आप पता लगा सकते हो कि हमारी जो है जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये इंटैक्ट है, अभी इसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, दूसरा कारण ये। तीसरा, ऑसिरिस आरियक्स जो अनस्टेबल है तो अपनी ऑर्बिट को चेंज करता रहता है, तो एक पोटेंशियल हैजार्डियस जो है क्षुद्र ग्रह है जो कभी भी टकरा भी सकता है, तो उसका ऑर्बिट का अध्ययन भी हमें जो है प्रिपेयर करेगा, इसलिए भी वेणु पर भेजा गया। फिर वेणु ऐसा शुक्र ग्रह जो इन क्वालिटी को रखता है हमारे सबसे नजदीक स्थित है। ये चार कारण तुम्हें याद रखना है, कार्बन रिच है, कार्बन रिच है, डायमीटर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, पृथ्वी के पास स्थित है, और कार्बन रिच शुद्र ग्रह, कार्बन रिच शुद्र ग्रह है, यह याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट, हार्पून वाला नहीं याद रखना है, चर्चा में थी हार्पून, चर्चा में थी हार्पून, एक मिसाइल है जिसे बोइंग ने बनाया है, और यह एंटीशिप मिसाइल है जिसे कोस्ट जमीन से भी दागा जा सकता है। तो लिख लो हार्पून बोइंग द्वारा निर्मित, बोइंग द्वारा निर्मित एंटीशिप मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, शिप को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। ज्यादा जानना नहीं है वलनाइनर, इसके बारे में पूरे डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, अगर और चर्चा में रहा तब। नेक्स्ट, मीजल अभी चर्चा में था, मीजल जो है, मीजल जो है वायरस के द्वारा फैलने वाली, वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, बीमारी है, संक्रमणशील बीमारी है जो मुंह नाक इनसे जो ड्रॉपलेट निकलती है इनसे भी फैल सकती है, थ्रॉट वगैरह को अफेक्ट करती है, और इसमें दाने निकल जाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं खसरा। तुम्हें बस इतना याद रखना है, खसरा जो बीमारी है वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा फैलती, बस इतना ही। वन लाइनर चर्चा में था इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पूल्ड टेस्टिंग, इस टॉपिक के लिए ऑलरेडी और भी टॉपिक्स हैं जो पहले भी मैंने बोला था
आर नॉट, कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी, एंटीबॉडी कंसेप्ट, ये सब का वीडियो जो है अलग से बनाया गया है, तो उनको तुम्हें देखना है। पूल्ड टेस्टिंग क्या है, ये तुम्हें मेंस में एक लाइन काम आ सकती है, पीटी में तो शायद पूछेगा ही। पूल्ड टेस्टिंग कोरोना वायरस के डिटेक्शन के लिए आप आरटीपीसीआर कर रहे हो। अब आरटीपीसीआर में टाइम लगता है और कॉस्टली भी है, तो कंसेप्ट ये सजेस्ट किया गया कि जो कंटेनमेंट जोन नहीं और हमें मास टेस्टिंग भी करनी, तो इसके तहत पूल्ड टेस्टिंग के तहत दो या तीन लोगों का सैंपल जो है एक साथ ही जो है आरटीपीसीआर में टेस्ट किया जाए। मैक्सिमम इसमें 5 की जो है लिमिट जो है दी गई है, और यदि उसमें उस पूल से अगर COVID-19 निकलता है तब फिर इंडिविजुअल टेस्टिंग हो, और अगर नहीं निकलता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि इतने लोगों में जो है कोरोना वायरस नहीं। तो वह है पूल्ड टेस्टिंग, पूल स्क्रीनिंग के लिए कि आपको स्क्रीन करना हो कि लोगों में है कि नहीं, वह कंसेप्ट था पूल्ड टेस्टिंग। इसमें और ज्यादा नहीं जानना है। यस, इंटरनेट पर आधे घंटे, एक घंटे, दो दो घंटे के इस पर लेक्चर है, वो जानना ही नहीं, यूपीएससी इंटरेस्टेड ही नहीं। बट हाँ, पूल टेस्टिंग का कंसेप्ट जो है, अगर कोई केस स्टडी आती है पेपर 4 में, तो इस तरह का तुम आइडिया जो है चुरा कर दे सकते हो। तो मेंस भी जो है तुम्हारा चुराने वाला आइडिया है, आंसर राइटिंग भी जो है तुम्हारा चुराने वाला आइडिया है कि तुम एक कंसेप्ट को कैसे यूज करोगे, वह है मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग ये नहीं कि तुम्हें कंटेंट पता है, कंटेंट को चुरा कर एक जगह से कैसे दूसरे के लिया जाता है उसको तुम्हें चुराना है। तो पूल्ड टेस्टिंग कंसेप्ट नहीं जानना, पूल्ड टेस्टिंग कंसेप्ट यह था कि आरटीपीसीआर करना है, लोगों के सैंपल को स्क्रीन कर एक पूल पर कर एक जगह लाकर उनका फिर जो है आरटीपीसीआर किया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं जानना। बट हाँ, कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी वगैरह कंसेप्ट जानने, तो लेक्चर के जस्ट एंड में एक क्वेश्चन होगा। अब तुम लोग वो क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, करने के बाद भी सोच ले रहे हो मैंने सोचा था वो सही था, जो सोचा था सही था, परंतु दूसरों से भी चेक करना है कि दूसरों को भी कमेंट करना है कि तुम गलत थे या सही थे, क्योंकि दूसरों के कमेंट से भी तुम्हें पता लगेगा कि यस, ओवर थिंकिंग क्या हो सकती है। तो इस पर एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में जो है लेक्चर होने के बाद तुम्हें स्क्रीन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रिलिम्स इसी का नाम नहीं है कि कोई खबर चर्चा में है, प्रिलिम्स इसका भी नाम है कि जो खबर चर्चा में है उसके बारे में न्यूज पेपर में एक्सप्लेन नहीं है, तो वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। COVID-19 के कारण जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और अगर आप पब्लिक इंटरनेट के द्वारा करेंगे तो उसकी हैकिंग हो सकती है, क्योंकि पब्लिक इंटरनेट पर इंटरनेट जो है वह पब्लिक है, सबके लिए विजिबल है, कोई भी इसको हैक करके कंपनीज की प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है लीक कर सकता है। ऐसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यह भी जब काम कर रहा है और इसके ऑफिशियल घर बैठे काम कर रहे हैं और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, कोई भी इसको लीक कर सकता है, यहां से चुरा सकता है। तो इसके लिए अगर आप जो है एक सिक्योर कनेक्शन दो उस इंडिविजुअल को, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जिनको तुम सिक्योर दोगे तो उसके लिए अलग से आपको लाइन दिखानी होगी, तो उसमें आपका कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसी के लिए इंटरनेट में एक कंसेप्ट प्रचलन में है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मैं इस कंसेप्ट को समझा नहीं रहा हूं, इस कंसेप्ट को तुम्हें एटिमोलॉजी से वर्ड ब्रेक करके आंसर करना है। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है वीपीएन क्या होता है, मैं कंसेप्ट जो है तुम्हें समझाऊंगा जब तुम एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था और आज भी यह क्वेश्चन वापस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? इट इज अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिमोट यूजर कैन ट्रांसमिट एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन थ्रू द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यह
किसी कंप्यूटर नेटवर्क संस्था का एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसके द्वारा रिमोट यूजर एनक्रिप्टेड फॉर्म में संस्था के सर्वर को इंफॉर्मेशन भेज सकता है. सेकंड, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बाय मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड. यह पब्लिक इंटरनेट पर एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके द्वारा उपभोक्ता संस्था के इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है और उसी समय सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकता है. सी, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच यूजर कैन एक्सेस अ शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज थ्रू अ सर्विस प्रोवाइडर. यह कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके द्वारा उपभोक्ता सेवा उपभोक्ता के कंप्यूटर संसाधनों को शेयर्ड पूल के माध्यम से एक्सेस कर सकता है. डी, इनमें से कोई भी सत्य नहीं. यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एटिमोलॉजी से भी करोगे तब भी हो जाएगा. सी नहीं हो सकता. सी को देखकर तुम्हें क्या याद आना चाहिए? सी किसका आंसर है? सी किस टेक्नोलॉजी का आंसर है? सी आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग का. फर्स्ट बोला है प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑन ऑर्गेनाइज्ड वेयर. अब प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है तो ये तो रियल है ना, रियली आपने विकसित किया है, वर्चुअल नहीं. वर्चुअल मतलब पब्लिक है, बट पब्लिक पर भी वर्चुअल है. तो पब्लिक है बट तुम्हें वर्चुअल दर्शाना है, मतलब वो पब्लिक इंटरनेट ही आपके लिए क्या बन गया है? प्राइवेट नेटवर्क बन गया है. तो पब्लिक नेटवर्क आभासी तौर पर आपके लिए क्या बन रहा है? प्राइवेट नेटवर्क बन रहा है. तो वह है आंसर बी. जिन लोगों ने आंसर किया है, आई थिंक उन्होंने रटा रटा आंसर किया है क्योंकि उन्हें आंसर मालूम था, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी के क्वेश्चन देखे हुए हैं. बट इस क्वेश्चन को एटिमोलॉजी से करोगे तो पब्लिक इंटरनेट पर प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क मींस पब्लिक पर प्राइवेट आपको आभासी हो रहा है, वह है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. अगर मैं इसको अब टेक्निकल टर्म्स में जाऊं तो जो आपका पब्लिक इंटरनेट है उस पर सब डाटा जो है जाता है, परंतु जब इसको प्राइवेट बनाया जाता है तो एक निश्चित पैकेट निश्चित एनक्रिप्शन उस पब्लिक इंटरनेट के द्वारा ही उस रिसोर्स को जाता है और वह रिसोर्स डेडिकेटेडली उस उपभोक्ता और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, वह है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. मैं अभी इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज डिटेल में इसमें पूरा कंसेप्ट है, परंतु यह वर्ड तुम्हें एटिमोलॉजी से करना है क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है ना, जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, उनको भी कईयों को यह आंसर नहीं आता है. बढ़िया है, तुम्हें एटिमोलॉजी से जो है करना है, ठीक है? जिन्होंने देखा नहीं है, गुड. और उन्हें अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी के होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है. क्लियर? फिर एक और इंफॉर्मेशन और दे देता हूं. पॉलिटी की जो क्लास है, जो कल का शेड्यूल देखा होगा, वो कल शाम को 5 बजे होगी, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको तुम लोगों ने पढ़ा है. जब तुम लोगों ने पढ़ा है तो मुझे उसको पढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है लिया है. तो पॉलिटी का जो है वह टॉपिक जो है कल शाम को 5 बजे उसकी लाइव क्लास होगी. उसके अलावा अगर होता है तो देखते हैं, कल ही अनाउंस करूंगा कि हम अल्टरनेट डे क्लास कर सकते हैं क्या, क्योंकि अब टॉपिक्स बहुत कम बचे हैं, अप्रैल तक आई है. जिनको पुराने कोर्सेज लेने हैं, वह द कोर आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर तुम लोगों को पता ही है, 8800141518. फिर इसके अलावा एक नोट जो है फॉरवर्ड किया गया था द कोर के टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स पर भी, फेसबुक पर भी, कि अगर किसी को और सामान्य प्रॉब्लम है तो वो अपना फीडबैक जो है दे दे कि उनको कौन सी समस्या आ रही है तैयारी में, सब्जेक्ट को लेकर भी, जो तुम लोग क्लास के बीच में पूछते रहते हो. तो वह फॉर्म सर्कुलेट किया गया, उस फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो गोपनीय रहेगी,
उस इंफॉर्मेशन के द्वारा ये इनपुट पता लग जाएगा कि तुम्हें और किस चीज पर डायरेक्शन की जरूरत है, तो उसी डायरेक्शन के मुताबिक जो हम क्लास ले सकते हैं। तो उस फॉर्म में अपना फीडबैक जो है जरूर दे देना कि तुम्हें कौन सी समस्या आ रही है, तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है और जिन पर हमें सेशन लेने की जरूरत है। तो वह फॉर्म जो है फेसबुक पर भी है, द कोर आईएएस के, और टेलीग्राम चैनल पर भी है। हिंदी का टेलीग्राम चैनल पर है वह, इंग्लिश के टेलीग्राम चैनल पर वह सर्कुलेट नहीं हुआ है, तो वहां पर भी अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक होगा नेमोनेट। नेमोनेट से कई बार जब ये क्वेश्चन एग्जाम आएगा ना, तो लोग नमो नमो करते हुए प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो वहां इसका आंसर करेंगे, पर वैसा नहीं है। नेमोनेट जो है एक ऑनलाइन जो है गेम है जो नासा के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें यूजर कोरल रीफ, जिनकी इमेजेस 3D और 2D में है, उनको जो है आइडेंटिफाई करता है और उन कोरल रीफ को जो है उनका वह वर्गीकरण करता है। इसके द्वारा उसको कोरल रीफ के बारे में जानकारी मिलती है और वह कोरल रीफ के बारे में जो है नासा इस तरह अवेयरनेस जनरेट करने का भी काम कर रहा है। अब यह नेमोनेट पीटी में एक लर्नर भी पूछ सकता है और यही नेमोनेट तुम्हें बहुत से आंसर में, मेंस में भी जो है यूज हो सकता है एज ए वन पॉइंट, और वही वन पॉइंट तुम्हें मार्क्स पैच करवा देगा, हाफ मार्क्स भी तुम्हें एक्स्ट्रा मिले, बहुत बड़ी बात है। इस तरह के गेमिंग डिजाइन करना, जैसे अगर मेंस में क्वेश्चन आए चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रन को गुड हैबिट बैड हैबिट, अगर गुड हैबिट बैड हैबिट बताना है तो इसके लिए गेम्स, अगर उस तरह के गेम्स आए तो फन ही वन में वो सीखेगा। तो इस तरह के आइडियाज तुम्हें जो है इस प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से चुराने हैं। यस, मैंने कहा है कि मेंस की तैयारी ही पीटी है और पीटी ही तुम्हारी मेंस है, इनको सेपरेट नहीं किया जाता। हाँ, बस तुम्हें बाउंड्री जरूर तय करनी है कि तुम्हें कितनी लाइन पढ़नी है, ऐसा नहीं कि एक लेक्चर के लिए 5-5 घंटे दे दिए। तो नेमोनेट जो है आईपैड प्रोग्राम है नासा के द्वारा जो कोरल रीफ का वर्गीकरण करवाता है, जिससे लोगों में पर्यावरण के इस शेलो क्रिएचर जीव के बारे में जागरूकता जगती है। यह है नेमोनेट, यह है नेमोनेट, क्लियर। फिर लास्ट में यह तुम्हारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर जो है सोच कर जल्दबाजी में नहीं देना है, आंसर देने के साथ साथ यह भी देना है कि क्यों आंसर है, दूसरा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो आज तुम्हें सीखना है, तुम्हें स्टैग्नेंट ग्रोथ से अबव जाने के लिए क्वेश्चन करना है, और जो फर्स्ट टाइम और यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ रहे हैं उन्हें गांठ बांध लेनी है कि क्वेश्चनिंग शुड बी देयर ओनली वे ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन से ही यूपीएससी की डायरेक्शन का पता लगेगा, क्लियर।